नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एससी एसटी उद्यमी योजना का पैसा फिलहाल अभी ख़त्म हो गया है, तो अगला जो कब तक पेमेंट आएगा और आखिर क्या कारण है कि एससी एसटी वाले का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, बाकी जो है सभी का हो गया है कि महिला का पेमेंट लगभग लगभग होबे किया है, युवा का होबे किया है, ईबीसी का होबे किया है और एक एससी एसटी का अभी नहीं हुआ है, तो उसका जो खजाने का पैसा है ख़त्म हो गया, तो आखिर कब तक उसका पेमेंट आएगा, तो मैं पूरे डिटेल्स में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो। नमस्कार साथियों, आज मैं टोटली बात करने वाला हूँ कि एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के जितने भी अभ्यर्थी है, लाभार्थी है, उन लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है और नाराज़गी भी उन लोगों में ज़्यादा है। तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्यों नहीं उसका पेमेंट आ रहा है। और इसके अलावा जितने भी आपको पता है कि चार योजनाएं चलाई जा रही है, एक्चुअली हम लोग कंबाइंड रूप से कहते हैं कि उद्यमी योजना, लेकिन उद्यमी योजना में चार योजनाएँ चलती है, जो आपका है अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी उद्यमी योजना पहला हो गया, दूसरा हो गया महिला उद्यमी योजना, और तीसरा हो गया आपका युवा उद्यमी योजना, और चौथा हो गया अति पिछड़ा यानी ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। एक्चुअली ये चार योजनाएं चला जा रही है और चारों योजनाएं के लिए जो गवर्नमेंट है, चारों योजनाओं के लिए अलग अलग राशि आवंटित करती है कि हम इतना इतना हम अलग अलग जो चारों योजना है सभी को हम पेमेंट करेंगे। बात एक्चुअली ऐसा हुआ है कि उद्यमी योजना में आपका जो अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना पहले से चलाई जा रही है, 2018 से चलाई जा रही है, और बात ऐसा हुआ कि जो विगत 2019 वाला को अभी तक एससी एसटी का पेमेंट नहीं दिया गया था, इनका पेमेंट उसको दे दिया गया, और अभी जो 21 से 22 सेशन है का एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी आती हैं, उन सारा का पैसा उन पर इन्वेस्ट हो गया है, जो प्रीवियस जो 2019 और 2020 वाले पर इन्वेस्ट हो गया एससी एसटी का, तो उनका पेमेंट अभी क्या हो गया है कि यानी कि जो 2021 वाला का पेमेंट है उनको दे दिया, तो एकर तो खजाना ख़त्म हो गया, तो इसी के कारण आप लोगों का देरी हो रहा है। एक्चुअली विभाग से ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया है कि 30 यानी 30 अगस्त तक आप लोगों का पेमेंट आने की संभावना है, और उसके बाद क्या होगा कि जब आपका चेक कटेगा, चेक कटने के बाद तब आपका प्रोसेस आपका आप लोगों का होगा, इसलिए आप लोग में नाराज़गी जो है उस पहले समझिए बात को क्या है, कि ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम एससी एसटी है तो हमारे पास जो है क्या है कि भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। एक्चुअली बात ऐसा है कि सभी कैटेगोरी का अलग अलग राशि है, तो ओकर जब जो युवा वाला है तो युवा वाला का पैसा जो है आप एससी एसटी में नहीं खर्च कर सकते हैं, युवा का या एससी एसटी वाला जो है कोई महिला उद्यमी योजना में आप खर्च नहीं कर सकते हैं। इसका जो एक निर्धारित किया गया कि हम एससी एसटी में हम इतना खर्चा करेंगे और ये महिला को हम इतना खर्चा करेंगे, युवा को इतना खर्चा करेंगे, ईबीसी को हम इतना खर्चा करेंगे, तो सभी का पेमेंट अलग अलग हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि ईबीसी वर्ग का, युवा का, महिला का, ये लोग का पेमेंट जो है खजाना में था, इसीलिए इस सभी का चेक काट करके सभी को पेमेंट कर दिया गया है। अभी जो आप लोगों का बारी है, और जो मान लेते हैं कि घरे में आप जाते हैं कहीं जो लोन लाने, या खुद आप ही सोचिए ना, जब आपका खुद बैंक में खुद का पैसा रहता है तो बैंक में कैश नहीं होने की वजह से आपको रिटर्न कर दिया जाता है कि नहीं। अब जब इतना लोगों का पेमेंट दिया जा रहा है तो आपके जो खजाने का जो पैसा था वो सारा का सारा नील हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसी के कारण आप लोगों का लेट हो रहा है। आप लोग से विनती है, नम्र निवेदन है कि आप लोग वेट कीजिए 30 अगस्त तक, ओके 30 अगस्त तक आपको वेट करनी है। बहुत सारा कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, टेलीग्राम है, वहाँ पर बहुत सारा लोग कर रहे हैं, तो अजीज होकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चारों योजना अलग अलग चलाई जा रही है, सभी योजना में अलग अलग आवंटित किया जाता है राशि, और आपको लोग खुद जान रहे हैं, तो इसके लिए ज़्यादा नाराज़गी की बात नहीं है। आप लोगों के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, और उन लोगों का जो है ना खजाना में पैसा था, इसीलिए उन लोगों का पेमेंट हो गया है और आपका बारी है। हालांकि जब बात हुआ है तो वो बताया है क्या कि जो है ना बात यही है, और हम तो देखिए एक्चुअली विभाग लोग का भी यहाँ पर क्या है कि गलती है ना भाई, क्या है कि मौन रखे हुए हैं, उसको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो लोग जो है ना मान लेते हैं कि अब 30 अगस्त यहाँ पे है, तो 30 अगस्त के नहीं है तो क्या है, इसको डायरेक्ट कहना चाहिए कि हम एक्चुअली जो है ना इतना डेट तक ले हम फलाने को हम देंगे, जो चार योजनाएं चलाई है महिला को हम इतना तक ले देंगे, ऐसे ऐसे देंगे क्या, तो इसमें जो है ना नाराजगी कोई बात नहीं था, धारित रहता है चलो भाई फलाने डेट है, ये क्या करता है चुपचाप रहेगा, नहीं डेट निकालेगा नहीं किचो करेगा, तो नाराजगी तो क्या जाहिर बात है ऐसा होगा। तो इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग शांति बना कर रखें, और क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी जो है ना जरूर बना कर रखना चाहिए, क्योंकि बिहार का जो उद्योग के क्षेत्र में आप ही लोग का क्रांति लानी है, और ऐसा क्रांति लानी है कि जितना जो अभी तपा रहा है ना भाई, तो ऐसा है कि एकदम कहना है कि भाई कितना हम लोग लेबर करें कि इसको हम आगे तक हम लोग लेकर के जाए उद्योग के क्षेत्र में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और 30 अगस्त तक ले आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहेगा।